कुछ ऐसी चीजों के रियल पर्पस जिनसे किसी को मतलब नहीं होता, जैसे कि लग्जरी कार्स के पीछे ये लाइंस क्यों होती हैं, पायलट्स प्लेन से फ्यूल की बारिश क्यों करते हैं, क्रिकेटर्स की जर्सी ऊपर से उठी हुई क्यों होती है, और इंडिया में ट्रक के पीछे ये हॉर्न ओके प्लीज वाली लाइन क्यों लिखी होती है। वैसे भाई इतना सच कौन बोलता है। नंबर एक, क्या आपने कभी लग्जरी कार्स के पीछे लाइंस को ऑब्जर्व किया है? मेरी तरह अगर डिग्गी में सामान रखते होंगे तो जरूर किया होगा। असल में ये लाइंस नहीं बल्कि मेटल की वायर होती है, जिन्हें डिफॉगर लाइंस भी कहा जाता है, और ये सिस्टम सिर्फ महंगी गाड़ियों में ही होता है। हाँ, कई सस्ती गाड़ियों में भी ये पाई जाती है, पर वह स्टिकर वाला स्कैम होता है। मेटल से बनी इन लाइंस का काम कार के पीछे लगी बर्फ और वाटर वेपर को गर्म करके हटाने का होता है, जिसे कार में लगे इस वाले बटन से किया जा सकता है। हाँ, तो अब आपको पता चल ही गया होगा, अगर ये वाला बटन दिखा तो क्या करना है। नंबर दो, गाइस अगर आपने प्लेन को ध्यान से देखा होगा तो आपने कभी ना कभी प्लेन में लगे इन रंग बिरंगी लाइट्स को तो जरूर देखा होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इनका रियल पर्पस क्या होता है? दरअसल इन लाइट्स को नेविगेशन लाइट्स कहा जाता है, जिनको रात के समय प्लेन में डायरेक्शन पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। रेड लाइट लेफ्ट साइड में होती है और वहीं ग्रीन वाली लाइट राइट साइड में होती है, और इन दोनों लाइट के साथ एक व्हाइट लाइट भी होती है जो कि प्लेन के पिछवाड़े में होती है। वैसे पिछवाड़ा गलत वर्ड नहीं है, बस टीचर्स ने इसे समझ गए ना, मतलब तुम लोग समझदार आदमी हो। अब रात में लाइट को देखकर दूसरे प्लेन और हेलीकॉप्टर को पता चलता है कि बगल वाली प्लेन का डायरेक्शन लेफ्ट राइट साइड है या फिर सीधे उसी एयरक्राफ्ट की तरफ। नंबर तीन, अब अगर प्लेन्स की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना इन पायलट्स के चिकनी शेव की भी बात करें। क्यों भाई, कोई पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखता? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जाता है तो हमें प्लेन के अंदर ऑक्सीजन मास्क लगाने की जरूरत पड़ती है। उसी ऑक्सीजन मास्क को पहनने में पायलट को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो शेव करके रखते हैं। हाँ, बहुत सी एयरलाइंस में पायलट को मूंछ और छोटी छोटी दाढ़ी रखने की इजाजत होती है, लेकिन पायलट बनकर हम KGF वाले हीरो का मजा नहीं ले सकते। नंबर चार, गाइज आपने क्रिकेटर्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के शर्ट के पीछे इस छोटी सी उठी हुई चीज को तो जरूर देखा होगा, मगर क्या आपको पता है कि ये होती क्या है और इसको किस वजह से यूज किया जाता है? तो असल में ये एक ब्रा टाइप डिवाइस होती है। इसमें GPS लगा होता है जो पहले तो कोई खिलाड़ी कितना चलता है बस ये बताता था, लेकिन आज के समय में इसमें इतनी ज्यादा अपडेट्स हो चुके हैं कि अब सिर्फ इसी से प्लेयर कितनी बार एक्सेलरेट करता है, कितनी बार डीएक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड कितनी है, उसका हार्ट बीट रेट क्या है, इन जैसे बहुत से पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो यारो इसको शर्ट के नीचे पहनते हैं, वरना यारो क्रिकेट तो कॉमेडी शो बन जाता। फैक्ट नंबर पांच, अब मैं आपको क्रिकेट का जो फैक्ट बताने वाला हूँ वह सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो, ये तो हमें पता ही है कि क्रिकेट में तीन स्टंप्स होते हैं, और तीन ही क्यों, दो या फिर चार क्यों नहीं होते? तो यारो आपको जानकर शौक लगेगा कि पहले की क्रिकेट में तीन की जगह दो स्टंप हुआ करते थे, जिनके बीच 6 इंच की दूरी हुआ करती थी, और पहले दौड़ कर रन लेने के लिए इन्हीं 6 इंच के अंदर बैट को डालना पड़ता था, और अगर बॉल इन विकेट के अंदर से गुजरती थी तो आउट। मगर इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था, और वो ये था कि कभी कभार इसके बीच से इतनी तेजी से गुजरती थी कि पता ही नहीं चलता था कि क्रिकेटर आउट है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो के बजाय तीन स्टंप्स लगाने शुरू कर दिए गए। नंबर 6, अगर आप स्काई स्क्रैपर वाली बिल्डिंग के फैन होंगे और अगर आपको इन बिल्डिंग्स के सीक्रेट को जानना बहुत पसंद है तो ये वाला फैक्ट खास आप ही के लिए है। क्या आप जानते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतों में ये खाली फ्लोर्स को क्यों दिया जाता है? यारो, फ्लोर को खाली रखने में उन्हीं का तो नुकसान होता है, क्योंकि फायदा भी तो तब होगा ना जब वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट से बच पाएंगे। दरअसल इन स्काई स्क्रैपर्स को बनाने से पहले एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, जिसमें स्काई स्क्रैपर्स की बिल्डिंग लिमिट को बता दिया जाता है। बिल्डिंग के लिमिट ऑफर फ्लोर की लिमिट से बचकर अपने स्काई स्क्रैपर्स को और ऊंचा दिखाने के लिए उनके मालिक इन फ्लोर्स को खाली छोड़ देते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि ये खाली फ्लोर बिल्डिंग में लगी आग को भी फैलने से रोकता है। नंबर 7, अच्छा आप जस्ट इमेजिन करो कि आप और आपका फ्रेंड बहुत संघर्ष करके एक पायलट बन गया। अब जब कैबिन में आप दोनों के लिए खाना आता है तब आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपके साथ तो भेदभाव हो रहा है। जहां आपके फ्रेंड को खाने के लिए पनीर टिक्का मिला, वहीं आपको सड़ा हुआ दलिया। अब गलती से भी भेदभाव के लिए आप धरने पर मत बैठ जाना, क्योंकि एयरलाइंस में ऐसा करना बिल्कुल कम है, और ऐसा करने का एक लॉजिकल पर्पस भी होता है। दो पायलट्स को सेम खाना इसलिए नहीं मिलता ताकि अगर किसी खाने में कुछ मिलावट हो तो वो सिर्फ एक ही पायलट पर अपना असर छोड़ पाए, क्योंकि भले ही प्लेन ऑटो पायलट मोड पर भी चल सकता है पर ये स्ट्रिक्ट रूल है कि केबिन में एक ना एक पायलट तो होना ही चाहिए। नंबर 8,
आपने अगर कभी इस तरह की वीडियोस को देखा होगा जिसमें एयरप्लेन से फ्यूल को निकाला जाता है, तो आपके मन में भी सबसे पहला ख्याल आया होगा कि क्या वीडियो रियल है, और अगर रियल है तो फिर इनका पायलट पागल तो नहीं है। खैर दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से रियल है और प्लेन से फ्यूल को बाहर निकालने के लिए इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं। और पायलट्स को ऐसा तब करना पड़ता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता। वैसे ये बहुत से कारणों से हो सकता है, लाइक किसी मेडिकल सिचुएशन की वजह से प्लेन को जल्दी लैंड कराना पड़ेगा, या फिर एयर की डायरेक्शन की वजह से कम फ्यूल यूज हुआ हो। देखो, एयरप्लेन का वेट हमेशा लैंडिंग के समय टेक ऑफ के वेट से कम ही होना चाहिए ताकि वो बिना एक्सीडेंट के लैंड हो सके। जब इतनी बड़ी अमाउंट में प्लेन से डेंजरस फ्यूल की बारिश कराई जाती है, वेल गाइस, ये फ्यूल लोगों को हार्म जरूर पहुंचाता है, इसलिए फ्यूल डंपिंग के प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा हाइट पर किया जाता है। नंबर 9, आपने ट्रक के पीछे लिखी तरह तरह की लाइंस तो जरूर देखी होंगी, लेकिन एक लाइन जो हर ट्रक के पीछे लिखी होती है वो है हॉर्न ओके प्लीज। ओके प्लीज का मतलब तो हम जानते हैं कि अगर आपको ओवरटेक करना है तो हॉर्न दीजिए, लेकिन ये बीच वाले ओके का क्या चक्कर है? दरअसल वर्ल्ड वॉर सेकंड के अनुसार यहाँ ओके का मतलब है ऑन केरोसिन, जिसे बहुत सारे ड्राइवर्स यूज करते आ रहे हैं। उनका मतलब होता है ट्रक में डीजल के साथ केरोसिन भी यूज की जा रही है, जिससे पैसों की तो बचत हो जाती है मगर उसमें आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और गाइस, इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए हॉर्न प्लीज के बीच में ओके लगा होता है। फैक्ट नंबर 10, इन गोल मटोल घड़ियों को देखकर आपके मन में भी कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों घूमती है? मतलब यार, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो घूम सकती थी। अगर ऐसा होता तो आज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज होता। अरे कितनी ज्यादा डीप बात है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस सीक्रेट से पर्दा उठाने के लिए पहुंचना होगा मेडिवल टाइम्स के दौर में, जब टाइम को नापने के लिए सन डायल का यूज किया जाता था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन डायल रखने पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा करते थे। इसी वजह से जब मॉडर्न टाइम में घड़ी का आविष्कार हुआ तो इन घड़ी के हैंड्स को भी इन्हीं डायरेक्शन में रोटेट कराया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।